जैसा कि ये देख रहे हैं, ये नेस्विज का कैंगन वाटर है और ये आपका पीछे में इसके इंस्टॉलेशन के लिए दो छेद दिए गए हैं। ये आपका इंस्टॉलेशन के लिए है, ये दिया गया है, ये तीन दिया गया है। और साथ ही साथ इसके जो फिल्टर्स आपको मिलेंगे, ये फिल्टर्स खोलने का जो है वो यहाँ से है। आप यहाँ से इसका फिल्टर्स खोल सकते हैं, ये आपका यहाँ से खुल जाएगा। और इसको 6,000 लीटर के बाद इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। जी, इसको इसको ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये फिर से कस जाएगा, ठीक है। और इसको 6,000 लीटर जब पानी आपका यूज हो जाएगा तो ये मशीन ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, जी हाँ, ठीक है। इसको फिर से आपको इसकी फिल्टर जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी हमने क्या किया है, तीन फिल्टर लगाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहां पे तीन फिल्टर मैंने लगाया है और वो अमित इसका इंस्टॉलेशन कर रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, इस आरओ के अंदर में ये आपका ड्रेन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एसडी आउटपुट, ये ड्रेन होगा और ये आपका इन होगा, ये आपका इन होगा। ये जो पाइप है इनके लिए दिया गया है, और ये जो है ये ऊपर में लगेगा, ये आपका ऊपर में लगेगा, ये पानी के लिए है। और साथ ही साथ ये पीएच चेक करने के लिए ये दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये एक मैप है, ये मैप है, और मैप के सहारे ही इसको क्या करेंगे, इसको इंस्टॉलेशन के लिए छेद करेंगे और छेद करके इसको इंस्टॉल करेंगे। ये जैसे कि ये पानी लेने के लिए है तो इसको यहाँ लगाते हैं, ठीक है। इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये इसमें पुश करना पड़ेगा, इसमें रबड़ दिया गया ऑलरेडी। इसको ये देखो घुमा घुमा करके, ये देखो, ये आपको घुमा करके ये क्या होगा, ये फिट हो गया, ठीक है। अब आपको पानी लेना है तो ये आपको जिधर की ओर घुमाना है इसको उधर की ओर आप घुमा सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इनलेट आउटलेट की, इनलेट आउटलेट में मैं आपको बता दूं कि ये इनलेट है और ये आउटलेट है। आउटलेट का ये निकाल दिया पाइप, और ये है पाइप आउटलेट का, ठीक है। आउटलेट में क्या करेंगे, ये पाइप को ऐसे लगाएंगे। सबसे पहले इसके लिए एक और चीज़ दिया गया है, ये ठीक है, ये दिया गया है। इसको क्या करना है, पाइप में ऐसे लगा लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इसे पुश करना है इसको। तो ये देखिए, ये पूरी तरीके से आपको पुश करना है, ये पूरी तरीके से जब आपको चढ़ जाए अब ये चढ़ गया है ना। अब इसको क्या करना है, इसको ऊपर से चढ़ा दो ऐसे, ये पाइप निकले ना, ठीक है ना, समझ गए। ये हो गया, अब ये इनलेट है, ये हो गया आपका ड्रेन का पाइप, ठीक है। अब इसको इनपुट दे देते हैं, ये रहा इनपुट का पाइप, और हमने उधर तैयारी कर ली है, उसको तीन फिल्टर्स लगा दिए हैं। और ये देखिए, इसको ऐसे पुश कर देना है, हाँ तो ये पुश हो गया, ठीक है। पुश होने के बाद जैसा कि ये है इसकी लॉक है ना, ये लॉक को क्या करना है, लॉक को ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये लॉक को लगा दिया, ठीक है। अब ये इनलेट लेंगे और ये ड्रेन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम टांगेंगे, ठीक। चलिए देख रहे हैं, इसमें तीन हाउसिंग लगाया गया है, और तीन हाउसिंग के बाद ये हमारा कैंगन वाटर मशीन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ, ये कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ से एक कनेक्शन लिया गया है, कनेक्शन लेने के बाद ये मैंने क्या किया है, इसके प्रोटेक्शन के लिए तीन हाउसिंग लगाया है। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें क्या मैंने किया है, इसमें स्पन लगाया है, इसमें सीटीओ लगाया है, इसमें स्पन लगाया है। इसे थर्ड प्रोटेक्शन, तीन प्रोटेक्शन के बाद ये हमारे मशीन के अंदर में ये अपना पानी आएगा, पानी आएगा। अब इसको यूज करना है तो आपको मैं बता दूं, ये है क्लोज, ये है ओपन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज और ओपन, और ये आपका अल्कलाइन का लेवल है, लो अल्कलाइन, मीडियम अल्कलाइन, मीडियम अल्कलाइन और हाई अल्कलाइन। और ये है लो एसिडिक, हाई एसिडिक और
प्योरीफाइड। यदि प्योरीफाइड सिर्फ चाहिए तो आप ये आप प्रेस कर सकते हैं, इसमें सिर्फ प्योरीफाइड वाटर आएगा, अल्कलाइन नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। जब हल्का पानी आने लगेगा, जब आपको देखिए ये मैंने ऑन किया, ये पानी हल्का आने लगा, अब इसको तीन नंबर मैंने दबा दिया। अभी ये देखिए 9.5, आप जैसा कि देख रहे हैं 9.5 इसका अल्कलाइन है, पीएच की मात्रा जो है ये लिख रहा है अल्कलाइन पीएच लेवल 9.5। तो इस तरीके से ये पानी आने लगा। और आप इसको बंद करना चाहते हैं, यहाँ से इसको ऑफ कीजिए और यहाँ से स्विच को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इंस्टॉलेशन का भी मैंने प्रोसेस आपको बताया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।